वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापूजी को 11 वर्षों से कारागार में रखा जाता है, एक भी दिन को उनको पैरोल नहीं दी जाती है। वहीं देश के अंदर बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्टाचारियों को दुराचारियों को जेल से बेल मिल रही है। क्या सबके लिए करके आज हिमाचल में बापूजी के भक्तों के द्वारा ये रेल निकाली जा रही है। बापूजी के पूरे देश भर में कितने सारे देवी कार्य सेवा कार्य 60 वर्षों से अनवरत रूप से राष्ट्र उत्थान विश्व उत्थान के कार्य चल रहे हैं, उन देवी कार्यों की देखा जाता है। एक झूठा केस बापू जी के ऊपर लगा दिया गया जो कि बिल्कुल निराधार है, जिसका कोई आधार ही नहीं। ऐसे निराधार झूठे केस की धारा छूट रहे हैं,
जेल से उनको पैरोल मिल रही है, किसी को 6 महीने की, किसी को 3 महीने की, किसी को 2 महीने की, लेकिन आज 11 वर्ष हो गए। इन 11 सालों में 11 दिन की जिनकी भी मोहलत नहीं दी जाती है। ये भेदभाव दिख रहा है सनातन धर्म के हिंदू संतों को, आज तो सबके जन्मों के संबंध में ये बात बदल गई है कि ऐसे सनातन संस्कृति वाली सरकार आई, साधु संतों का सम्मान होना चाहिए। अयोध्या में राम लला जी की मूर्ति स्थापित कर दी, हमारे बापू जी जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए कितनी कठोर आवाज उठाई, बापू जी का संकल्प था और ये बापू जी का भी संकल्प है कि विश्व गुरुपद पे भारत रहेगा। प्यारे बापू की बोली यही है, साधकों का है संकल्प पूरा, कायरों की ये बोली नहीं है। इस भारत को विश्व गुरु बनाने और उस तरफ अग्रसर करने का जो योगदान विश्व मंदिर संत श्री आसाराम जी बापू जी का है, पूरे देश भर में जिन्होंने 450 आश्रमों के माध्यम से सनातन संस्कृति के प्रसार की साधनाएं खोली, जिनके 17,000 धर्म संस्कार के द्वारा भारत की भावी पीढ़ी को संस्कार बना संस्कारवाद सुनने के लिए न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो,